नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 मई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू होगी बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा। आयुष्मान कार्ड बनाने में मदद करेंगी जीविका दीदियां। शिक्षक नियमावली में बदलाव को लेकर शिक्षा मंत्री का स्पष्ट जवाब। घड़ियाल का दूसरा सफल प्रजनन स्थल बना बिहार। करो या मरो के मैच में चेन्नई से भिड़ेगी दिल्ली। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में शिक्षक और लेक्चरर बनने का अच्छा मौका। अगर आप भी छत्तीसगढ़ में शिक्षक और लेक्चरर बनने की चाह रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा लेक्चरर और टीचर के कुल 12,489 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई है। ऐसे में उम्मीदवार को यह जानने के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। बता दें कि आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर 6 जून तक अपना आवेदन कर सकते हैं। आज से शुरू होगी बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा। आज यानी कि 10 मई से बिहार बोर्ड मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि यह परीक्षा 13 मई तक चलने वाली है। वह इस परीक्षा के लिए राज्य भर में कुल 139 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 72,286 परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा दी जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। ऐसे में अगर परीक्षा की शुरुआत 9:30 से हो रही है तो परीक्षार्थियों को 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना होगा। वहीं अगर परीक्षार्थी पहुंचने में देर होते हैं तो उन्हें परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीजें ले जाने की मनाही है। परीक्षार्थी मात्र सुई वाली घड़ी पहनकर ही परीक्षा भवन में प्रवेश कर सकते हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे पुरातत्व संग्रहालय के बारे में। पुरातत्व संग्रहालय गया जिले का एक मुख्य आकर्षण स्थल है। पुरातत्व संग्रहालय गया जिले में बोधगया में स्थित है। यह संग्रहालय बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास में स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना 1956 में की गई थी। इस संग्रहालय में आपको बहुत सारी प्राचीन वस्तुओं का संग्रह देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको बुद्ध भगवान जी की बहुत सारी मूर्तियाँ देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर बुद्ध भगवान जी की पत्थर की, धातु की और सोने की मूर्तियाँ रखी गई है। इस संग्रहालय में आपको हिंदू एवं बौद्ध मूर्तियाँ देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर विष्णु भगवान के 10 अवतार देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर टेराकोटा आइटम देखने के लिए मिलते हैं। आप इस संग्रहालय में आकर बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिहार के स्कूलों में इस दिन से शुरू होगी गर्मी की छुट्टी। गर्मी आ चुकी है और बच्चों को अब बस गर्मी की छुट्टी का इंतजार है। ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की गर्मी की छुट्टी शुरुआत 6 जून से होने वाली है, जो कि 27 जून तक रहेगी। मालूम हो कि छुट्टी से पहले बच्चों को निजी स्कूलों की तरह होमवर्क भी दिए जाएंगे और साथ ही गर्मी की छुट्टी से पहले स्कूल में एक बार स्कूल प्रबंधकों की ओर से पेरेंट्स मीट आयोजित किया जाएगा, जिसमें पेरेंट्स को बच्चों को दिए गए होमवर्क पूरा कराने के लिए और छुट्टी के दौरान उन पर निगरानी रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद बच्चों के द्वारा बनाए गए होमवर्क की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर उसे अभिभावकों को दिखाया जाएगा और फिर जो कमियां होंगी उनके बारे में बताए जाएंगे। बिहार में जल्द होगी लोकायुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य में लोकायुक्त व अन्य सदस्यों के रिक्त पदों को भरने को लेकर विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट को बताया गया कि राज्य में लोकायुक्त व अन्य सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द इन पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में लोकायुक्त व अन्य सदस्यों के पद रिक्त होने के कारण लोकायुक्त कार्यालय में सुनवाई नहीं हो रही, जिससे आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीते दिन सरकार के एडवोकेट के द्वारा कोर्ट को दिए गए आश्वासन के आलोक में इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया गया है।
मुंगेर डीपीओ समेत दर्जन भर सीडीपीओ निलंबित। बीते दिन समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के द्वारा यह कहते हुए मुंगेर के डीपीओ वंदना पांडे को निलंबित कर दिया गया है कि इनके ऊपर कई मामलों में अनियमितता के आरोप है। बता दें कि इनके निलंबन को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगली जानकारी के लिए बता दें कि मुंगेर की डीपीओ अकेली नहीं है जिनके ऊपर विभागीय गाज गिरी है, बल्कि इसके अलावा मधुबनी की डीपीओ विभागीय स्तर पर शाहपुर, भोजपुर की सीडीपीओ अलका कुमारी, पकड़दयाल, मोतिहारी, अरवल, गोपालगंज सदर, गढ़नी भोजपुर, काराकाट समेत दर्जन भर जगहों के एसडीपीओ को निलंबित कर दिया गया है। आपकी जानकारी के बता दें कि इस निलंबन पर मंत्री मदन सहनी का कहना है कि यह नियमित प्रक्रिया है और पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती रहती है और आगे भी जहां अनियमितता मिलेगी कार्रवाई की जाएगी। पैरामेडिकल छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर किया हंगामा। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के कारगिल चौक पर पैरामेडिकल छात्रों के द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वह आज यानी कि बुधवार को पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और पैरामेडिकल कॉलेजों में तालाबंदी करेंगे। मालूम हो कि छात्रों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि कुछ अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छात्रों की 9 सूत्री मांगों में पैरामेडिकल काउंसिल का गठन किया जाए और सभी ट्रेड से 2-2 सदस्यों को जोड़ा जाए, सत्र नियमित किया जाए और लंबित परीक्षा ली जाए, साथ ही पेंडिंग रिजल्ट भी घोषित किया जाए। सभी जिला में संचालित पैरामेडिकल कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर डेमोंस्ट्रेटर लेक्चरर की नियुक्ति की जाए। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन यूजी पैरामेडिकल एंड मास्टर डिग्री पीजी की पढ़ाई शुरू की जाए समेत कई अन्य मांग शामिल है। आयुष्मान कार्ड बनाने में मदद करेंगी जीविका दीदियां। राज्य सरकार के द्वारा बिहार में जीविका दीदियों को कई जिम्मेदारी दी जा रही है। बता दी कि अब उन्हें बिहार सरकार की ओर से एक और नई जिम्मेदारी दी गई है जिसके तहत अब जीविका दीदियां बिहार में आयुष्मान कार्ड बनवाने में मदद करेंगी। इसके साथ ही जीविका दीदियां आपदा की घड़ी में भी लोगों की मदद करेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब राज्य में स्वास्थ्य विभाग जीविका दीदियों की मदद से अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। इसके साथ ही इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राशन दुकानदारों और आशा कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जाएगा। मालूम हो कि इस संबंध में जल्द ही विभाग की ओर से संबंधित विभाग को पत्र भेजा जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शंकर दयाल सिंह के बारे में। शंकर दयाल सिंह भारत के राजनेता तथा हिंदी साहित्यकार थे। वे राजनीति व साहित्य दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लोकप्रिय थे। उनकी असाधारण हिंदी सेवा के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाता है। उनके सद्व्यवहार बहुयामी व्यक्तित्व में ऊर्जा और आनंद का अजस्त्र स्रोत छिपा हुआ है। 1990 में उन्हें बिहार रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1977 से सोशलिस्ट भारत में उनके लेख प्रकाशित होने प्रारंभ हुए जो 1992 तक अनवरत रूप से छपते ही रहे। ऐसा उल्लेख उनकी बहुचर्चित पुस्तक राजनीति की धूप साहित्य की छाव में मिलता है। 1993 में हिंदी सेवा के लिए अनंत गोपाल सेवड़े हिंदी सम्मान तथा 1994 में गाडगिल राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें नवाजा गया। भारतवर्ष से कई संस्थाओं, संगठनों व राज्य सरकारों से उन्हें अनेकों पुरस्कार प्राप्त हुए। शिक्षक नियमावली में बदलाव को लेकर शिक्षा मंत्री का स्पष्ट जवाब। एक तरफ जहां बिहार में नई शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा इस शिक्षक नियमावली में बदलाव को लेकर सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। दरअसल उन्होंने बीते दिन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार की दृष्टि स्पष्ट है। बिहार में बेरोजगारों के लिए नौकरी पाने का यह सुनहरा अवसर है। अगर इसके बावजूद भी किसी भी ढंग से इसे लटकाना चाहते हैं तो यह बेरोजगारों के हित में कहीं से भी ठीक नहीं है। जो भी नियमावली लाई गई है उसका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस नियमावली को लेकर कोई आंदोलन का रुख करते हैं तो वह उचित नहीं है क्योंकि अब इसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं की जा रही। घड़ियाल का दूसरा सफल प्रजनन स्थल बना बिहार। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से किए गए एक सर्वे से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार घड़ियाल का दूसरा सबसे सफल प्रजनन स्थल है। बता दें कि इस सर्वे से यह जानकारी मिली है कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के पास गंडक नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए गए हैं। ऐसे में अब लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर वे गंडक नदी में नहाने जाते हैं तो उन्हें घड़ियाल की आवाजाही पर अपनी नजर बनाकर रखनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सर्वे मुख्य रूप से सोनपुर से वाल्मीकि नगर तक करीब 325 किलोमीटर लंबी नदी में 14 दिन तक किए गए हैं जिसके बाद यह जानकारी निकलकर सामने आई है। मालूम हो कि रिपोर्ट के मुताबिक गंडक नदी में कुल 251 घड़ियाल देखे गए हैं जबकि वर्ष 2017 में घड़ियाल की संख्या गंडक नदी में 119 थी। ढिल्लो और लांडे समेत राज्य के 6 IPS अधिकारी जाएंगे ट्रेनिंग पर।
राज्य के 6 पुलिस पदाधिकारियों को मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 4 के तहत ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद पुलिस अकादमी भेजा जाने वाला है। बता दें कि इन 6 आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग की शुरुआत 15 मई से होने वाली है, जो कि 9 जून तक चलेगी। मालूम हो कि राज्य के जिन 6 आईपीएस अधिकारियों को ट्रेनिंग पर भेजा जाने वाला है, उनमें शिवदीप लांडे, एस प्रेमलता, दलजीत सिंह, रंजीत कुमार मिश्रा, मानवजीत सिंह ढिल्लो, हरप्रीत कौर का नाम शामिल है। इसके साथ ही कुछ और भी अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु विरमित किया गया है। और इसके साथ ही हाईकोर्ट की अनुशंसा के आधार पर अंजनी कुमार सिंह, जिला व सत्र न्यायाधीश बक्सर को वाणिज्य कर विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। बिहार की बेटी बनी जूनियर मिस इंडिया की रनर अप। बिहार की एक और बेटी ने बिहार का नाम रोशन कर दिया है। बता दें कि हम बात कर रहे हैं बिहार के गोपालगंज की बेटी अनुष्का केसरी की, जिसने अपने नाम जूनियर मिस इंडियन रनर अप का खिताब कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई में किया गया था, लेकिन उससे पहले अनुष्का केसरी के द्वारा इस प्रतियोगिता के 3 चरणों में बेहतर प्रदर्शन किया गया और फिर ऑनलाइन प्रतियोगिता में इसका चयन होने के बाद वह मुंबई के निस्को सेंटर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में भाग ली और वहाँ रनर अप बनी, जिसके बाद उन्हें मेडल और प्राइज मनी देकर सम्मानित किया गया। अनुष्का केसरी के इस उपलब्धि पर जिला पदाधिकारी गोपालगंज नवल किशोर चौधरी द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई और साथ ही स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। मोतिहारी के जहरीली शराब कांड की जांच में खुलासा। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड को लेकर मद्य निषेध विभाग की टीम के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जांच में जो खुलासा किया गया है, उसमें यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि मोतिहारी में स्प्रिट की खेप मोबिल के डिब्बे में डालकर ट्रांसपोर्ट के जरिए दिल्ली से भेजी जा रही थी और फिर आगे मोतिहारी में उसकी सप्लाई की जाती थी। मालूम हो कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब मोतिहारी के एक ट्रांसपोर्टर का नाम सामने आया, जिसके बाद मद्य निषेध की टीम के द्वारा इस मामले को लेकर जब ट्रांसपोर्टर से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह सारी जानकारी दी गई, लेकिन इनसे इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि स्प्रिट को मोतिहारी से किसके द्वारा बुक किया जा रहा था। और फिलहाल इस मामले को लेकर जांच अभी जारी है और यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि स्प्रिट कहां से लिया जा रहा था और इसके पीछे कौन कौन शामिल है। मुंबई दिल्ली कोलकाता में शाही लीची भेजने के लिए इन एक्सप्रेस ट्रेनों में खास सुविधा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने मुंबई दिल्ली कोलकाता में रहने वाले परिवार के लोगों को बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची भेजें, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि रेलवे की ओर से शाही लीची को भेजने के लिए एक खास व्यवस्था की गई है। बता दें कि रेलवे के हाजीपुर जोन और सोनपुर मंडल के अधिकारियों ने लीची किसान के साथ वेबिनार आयोजित कर किसानों की ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को प्रमुखता से समझा और शाही लीची को अन्य महानगरों तक पहुँचाने के लिए दिशा निर्देश दिए। मालूम हो कि इस निर्देश के तहत रेलवे के द्वारा संबंधित अधिकारी को पवन एक्सप्रेस में SLR और VPP लगाने का निर्देश दिया गया है और इसके साथ ही पटना लोकमान्य तिलक 13201 से भी अतिरिक्त पार्सल बोगी लगाई जाएगी ताकि शाही लीची को दूसरे स्थानों पर भेजा जा सके। चिलचिलाती गर्मी के साथ राज्य का चढ़ा पारा। बिहार में चिलचिलाती गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दिन में सूरज की तप से अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा हो रहा है, वहीं कई जगह पर लू जैसे हालात बनने लगे हैं। राज्य में अधिकतम तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिनों तक तपती गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। 12 मई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं IMD ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। बिहार के कैदी बनेंगे अब रेडियो जॉकी। जेल प्रशासन की ओर से बिहार के जेल में बंद कैदियों के लिए एक मनोरंजन की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत अब जेलों में भी रेडियो बजेंगे और साथ ही वहां मौजूद कैदी रेडियो जॉकी बनेंगे। बता दें कि इसकी शुरुआत बहुत जल्दी सभी सेंट्रल जेलों में की जाएगी। मालूम हो कि इस रेडियो पर सुबह कैदियों को देश प्रेम व भक्ति भावना को जागृति करने वाले गीत को सुनेंगे। इसके साथ ही कैदियों के द्वारा खुद से रचित कविताओं, गीतों और जेल में दिन भर होने वाली गतिविधियों के बारे में और समाचार भी प्रसारित किए जाएंगे। यह प्रसारण शाम को भी होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत 2 सिद्धबंदियों की एक टीम बनेगी, जिनकी भाषा और सुर दोनों अच्छे होंगे। मालूम हो कि इस पहल की शुरुआत बिहार के सभी 59 जेलों में की जाएगी, जिसके बाद हर दिन सुबह और शाम 2-2 घंटे कैदी के स्वस्थ मनोरंजन सुन सकेंगे।
जाने कैसे होगी धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात और कैसे निकलेगी पर्ची। बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर में 13 से 17 मई तक बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। ऐसे में उनके इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मालूम हो कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस कार्यक्रम में लाखों लोग पहुंच सकते हैं। हालांकि जब से उनके आगमन की खबर आई है तब से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि उनसे मुलाकात कैसे होगी और साथ ही कैसे पर्ची निकाले जाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयोजन समिति के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 मई को दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक दिव्य दरबार लगेंगे, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा भीड़ में बैठे लोगों में से किसी को भी अपने पास बुला लिया जाएगा और उनसे बात किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए पहले से कोई रजिस्ट्रेशन या कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना चाहते हैं तो अपनी पर्ची निकलवाना चाहते हैं तो आपको दरबार में शामिल होना होगा। सीएम नीतीश और पटनायक के मुलाकात में इन बातों की हुई चर्चा। बीते दिन मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजधानी पटना से भुवनेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के बाद सीएम नीतीश के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि पॉलिटिकल बात की चिंता मत कीजिए, हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। जो इनके पिताजी के साथ संबंध था उसके बाद ये आए तो इनसे वही संबंध है। सीएम नीतीश ने कहा कि हम यहाँ आते रहते हैं लेकिन जब से कोरोना हुआ तब बीच में एक मीटिंग में आए थे, फिर आना नहीं हुआ। इन्होंने हमें कई बार उड़ीसा आने को कहा था इसलिए आज उनसे मिलने आए। हमारे बीच अच्छे संबंध है, बाकी लोगों से तुलना में हमें मत रखिए। वहीं दूसरी ओर नवीन पटनायक के द्वारा ट्वीट कर इस मुलाकात को लेकर कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से भुवनेश्वर में मिलकर खुशी हुई। उड़ीसा बिहार और पड़ोसी राज्य के लोगों के साथ एक विशेष बंधन साझा करता है। आशा है कि उड़ीसा में उनका प्रवास सुखद और फलदायी रहा होगा। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, सीएम नीतीश पर भी साधा निशाना। बीते दिन राजनीति रणधिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के महनार में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि अगर प्रशांत किशोर नेताओं और दलों को सलाह देकर जिता सकते हैं तो बिहार की जनता को भी जिता सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई ईमानदार व्यक्ति जीत कर आएगा तभी स्थिति में सुधार आएगा। अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव पूरी तरह से जनता पर निर्भर करता है। अगर लोगों को लगेगा कि उन्हें दूसरे विकल्प की जरूरत है तो हम उनकी मदद जरूर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में पिछले 75 सालों में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए, जिसकी वजह से आज देश में बिहार ऐसा राज्य है जहां भूमिहीन लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। यहां के 60% लोगों के पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। बिहार में छोटे किसान है जिस वजह से यहां कमाने वाली खेती नहीं बल्कि खाने वाली खेती होती है। करो या मरो के मैच में चेन्नई से भिड़ेगी दिल्ली। आज आईपीएल 2023 के 16वें सीजन के 55वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाना है। बता दें कि आज का यह मुकाबला चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मालूम हो कि चेन्नई सुपर किंग्स इस बार मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना पिछला मैच जीत कर मैदान में आ रही है, जबकि दिल्ली गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ बैक टू बैक जीत के साथ आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक ये दोनों टीमें आपस में 27 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें से 17 बार चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीत हासिल की गई है तो वहीं 10 बार दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है। ऐसे में आज का यह मैच बेहद ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज के मैच में जीत हासिल करके दिल्ली प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। पानीपत की पहली लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने 1526 में तत्कालीन भारत की राजधानी अकबराबाद आगरा में प्रवेश किया। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में इसी दिन आरंभ हुआ था। दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई में ब्रिटिश सेना में काम करने वाला भारत माता के वीरों ने 50 अंग्रेज सिपाहियों को 1857 में मार डाला था। पहली बार मुंबई में 1981 में भारत में क्रिकेट मैच खेला गया। संतोष यादव 1993 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बनी। लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर 2005 में भारत और पाकिस्तान सहमत हुआ। भारतीय संविधान के विशेषज्ञ एवं पद्म भूषण से भी सम्मानित सुभाष कश्यप का जन्म 1929 में हुआ। 13वीं लोकसभा के सदस्य ब्रजलाल खाबड़ी का जन्म 1961 में हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 1980 में हुआ। वेलकम मैच, हम बात करेंगे एक नई योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक नई योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकारी ब्लॉग नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया गया है कि एक नई योजना के तहत केंद्र सरकार 21 साल से कम उम्र की सभी लड़कियों के बैंक खातों में 2,58,000 रुपए की राशि प्रदान कर रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि वीडियो फर्जी है या धोखाधड़ी का प्रयास है, कृपया सावधान रहें।
व्हाट्सएप पर जल्द मिलेगा ट्रू कॉलर का सपोर्ट। अगर आप भी स्पैम कॉल से परेशान हो गए हैं तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रू कॉलर जल्द ही व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग ऐप पर अपनी कॉलर आइडेंटिफिकेशन सर्विस उपलब्ध करेगी। नए फीचर के आने के बाद यूजर्स को स्पैम कॉल्स का पता लगाने में मदद मिलेगी। ट्रू कॉलर के मुख्य कार्यकारी एलन ममेदी ने कहा है कि यह फीचर अभी बीटा फेज में है और इसे मई के अंत में ग्लोबल स्तर पर शुरू किया जाएगा। ट्रू कॉलर ने इस तरह के समाधान को लागू करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ चर्चा कर रहा है। बता दें कि ट्रू कॉलर के लिए भारत 250 मिलियन यूजर्स के साथ इसका सबसे बड़ा बाजार है। आधार कार्ड के इस काम को लेकर केंद्र ने बढ़ा दी डेडलाइन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्राइवेट संस्थाओं और राज्य संस्थाओं को आधार सत्यापन करने की अनुमति देने का एक मसौदा तैयार किया गया था और इस प्रस्ताव को लेकर 5 मई तक पब्लिक फीडबैक मांगा गया था। हालांकि अब केंद्र सरकार के द्वारा इसकी तारीख को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रस्ताव को लेकर प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा प्रमाणीकरण अनुमति देने की वजह के साथ पूरी डिटेल भी देनी होगी। इसके साथ अगर उनकी वजह वाजिब पाई जाती है तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। मालूम हो कि अनुमति UIDAI के द्वारा दी जाएगी। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, प्रमोद राम, मृत्युंजय कुमार, राजीव कुमार, रविंद्र पासवान, नुगोलू कुमार, गुंजा कुमारी, सद्दाम हुसैन, पवन सिंह, सुरुचि कुमारी, पीके पासवान, संजीत राम, अतीक खान, नीरव प्रसाद सिंह, योगेंद्र रजक। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आयुष्मान कार्ड गरीब एवं असहाय परिवारों के लिए कितना फायदेमंद है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।